हेलो दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को खट्टा खाने का बहुत मन करता है और कई महिलाएं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, उस समय वो ज़्यादा खट्टा खाने के लिए सोचती हैं। तो कई महिलाओं को इमली खाने की आदत हो जाती है, इमली खाती हैं, अचार खाती हैं, नींबू खाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आप खा रही हैं उससे आपको फायदे होंगे या नुकसान होंगे, क्योंकि आपके शरीर में, आपके गर्भ में एक नन्ही सी जान का विकास हो रहा होता है। ऐसे में आपको अपने भोजन का, अपने पोषक तत्वों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपके लिए सिर्फ फायदेमंद हो, ताकि गर्भ का विकास, शिशु का विकास सही तरीके से हो सके और आपको भी पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत नहीं हो। आज मैं बात कर रही हूँ इमली खाने की। कई महिला इमली खाती है, क्या प्रेगनेंसी में इमली का सेवन किया जा सकता है और उसके कितने फायदे होते हैं और अगर नुकसान होता है तो क्यों होता है, वो सभी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इमली खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है। प्रेग्नेंट महिला अगर अच्छे से इमली का सेवन करती हैं तो उनके लिए बहुत फायदे होगा। तो गर्भावस्था के दौरान इमली खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ दोस्तों। सबसे पहला तो है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। इमली में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होने के कारण प्रेग्नेंट महिला की मांसपेशियों को आराम पहुँचाने, सूजन की समस्या से बचाव करने और शरीर में जो पेन होता है उसे राहत दिलाने में मदद करता है। उसके बाद पेट संबंधी समस्याएं, गर्भावस्था के दौरान महिला को कब्ज, पेट में गैस जैसी परेशानियां बहुत ज़्यादा रहने लगती हैं। ऐसे में इमली का अगर सेवन प्रेग्नेंट महिला करती हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और पेट संबंधी समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, वो ब्लड प्रेशर। गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर की समस्या हो ही जाती है, चाहे उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। इमली में पोटेशियम और माइल्ड सोडियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये फायदे आपको तभी मिलेंगे जब इमली का सेवन आप सीमित मात्रा में करेंगे। उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा भी होता है कम। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यदि महिला इमली का सेवन करती है तो इमली में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स प्रेग्नेंट महिला को इस परेशानियों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। उसके बाद आयरन की मात्रा, इमली में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। अगर इमली का सेवन प्रेग्नेंट महिला करती हैं तो आयरन की कमी भी पूरी होगी। कई महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, अधिकतर महिलाएं इस समस्या से परेशान ही रहती हैं। अगर ऐसे में इमली का सेवन करती हैं तो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मिचलाना, उल्टी जैसी परेशानियाँ नहीं होती है, जो एक बड़ी समस्या होती है प्रेग्नेंट महिला। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, इमली में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाओं को बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान इमली खाने के तो बहुत फायदे होते हैं दोस्तों, पर क्या नुकसान भी होता है? जी हाँ, इसके नुकसान भी होते हैं। इमली का सेवन अगर अधिक मात्रा में किया जाए तो डायरिया होने का खतरा हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है, उसके बाद डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा इमली का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बिगड़ने, ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। इमली का सेवन करने के बाद महिला को तुरंत मेडिसिन का सेवन नहीं करने चाहिए, इससे महिला को दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, इमली हमेशा थोड़ा खाएँ, ज़्यादा नहीं खाएँ। अगर थोड़ा खाएंगी तो नुकसानदेह नहीं होगा और ज़्यादा खाएंगी तो बहुत नुकसानदेह होगा। पर यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खा रही हैं उसके बहुत पहले आप इमली का सेवन करें, ऐसा ना हो इमली खा के दूध पी लें, ऐसा भूल कर भी नहीं करें। तो ये कुछ फायदे हैं और नुकसान है दोस्तों इमली खाने के, जो प्रेग्नेंट महिला को इमली खाने से मिलते हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर आप इमली का सेवन कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।